अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आई एम शिराज सुबहानी। जी तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कितने पैसे लेके आने चाहिए, जिसमें आपकी फाइलाग भी हो जाए, आपको एक बेड स्पेस भी मिल जाए और इसी के साथ साथ कह रहे हैं कि आपके खाने का खर्चा भी हो जाए। तो आपको अप्रॉक्सीमेट कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए, तो आज की सारी वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, होप्स होगी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मेन और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो ये होती है कि 5 लाख की, कि जब आपने आना है आपने आते ही अपनी 5 लाख का प्रोसेस स्टार्ट करवाना होता है। तो उसके लिए मोस्टली 300 से 350 अप्रॉक्सीमेट रेट चल रहे हैं, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो सारा डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, आपको किस तरह का बंदा मिल रहा है, और अगर तो कोई रेफरेंस वगैरह हो तो इसमें भी कमी पेशी हो जाती है, ठीक है। मीन के सबसे पहले तो आपने 5 लाख करवानी है। 5 लाख करवाने से पहले भी आपको जूता बनवाना होता है, जो कि 5 लाख के लिए ज़रूरी होता है। जूता आप कह लें कि आपने जिस जगह पर रहना होता है, ठीक है, तो उसका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है जिधर आपके सारे लेटर्स वगैरह आते हैं। तो उस जूता के लिए 2 पासपोर्ट होल्डर्स के साइन चाहिए होते हैं। अगर तो कोई आपका जानने वाला है तो वो कह लें कि वो आपका फ्री बन जाता है, अदरवाइज जिससे आप 5 लाख करवाते हैं वो जूता के पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मीन के वो डिपेंड करते हैं, कभी वो 30 ले लेते हैं, कभी वो 50 ले लेते हैं, ठीक है। मीन के मैक्सिमम वो 50 तक ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आप 50 उसके भी ऐड कर लें, मीन के 350 आप 5 लाख के ऐड कर लें और 50 ऊपर जूता के ऐड कर लें, मीन के टोटल 400 में आपकी 5 लाख हो रही है इंक्लूडिंग जूनता। और इसी के साथ साथ अगर आपने बेड स्पेस लेनी है तो जो आजकल कह लें कि जो बेड स्पेस का रेट चल रहा है वो 200 तक आप अप्रॉक्सीमेट अपने माइंड में रखें, जो आपको मिलेगी वो 200 तक मिलेगी, 200 से ऊपर ही होगी। अप्रॉक्सीमेट आप इतना रख लें रेट के अपने माइंड में कि अगर आपको एक बेड स्पेस चाहिए तो वो आपको 200 में मिल जाएगी। मैं पूरे रूम की बात नहीं कर रहा, एक बेड स्पेस की बात कर रहा हूँ शेयरिंग में, वो भी ठीक है। 400 आपकी 5 लाख का हो गया, 200 ये हो गया, टोटल 600 हो गया। और ऊपर जो खाने का खर्चा होगा वो आप कह लें कि अगर आप पूरा मंथ बाहर से खाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये है कि जिस जगह पे आप रह रहे होंगे तो उसी के साथ वो कह लें कि आपकी उनके साथ शेयरिंग वगैरह होगी, तो वो आप मैक्सिमम भी करें तो वो आपका 200 तक चला जाएगा, ठीक है। मीन के 600 वो हो गया, 200 ये ऐड कर लें, 800 हो गया। दूसरे ऊपर कह लें कि आलमोस्ट 50 यूरोज आपके ऊपर हो जाएंगे। वो किस बात के होंगे कि मीन्स के जब आप इधर आएंगे तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा, तो आपको ट्रैवलिंग भी कुछ करनी होगी, ठीक है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने होंगे, तो तकरीबन 50 यूरो आपके वो ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख की, ठीक है, आलमोस्ट 400 वो कर लें, वो आपका लग जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपको बेड स्पेस चाहिए होगी तो 200 उसका लग जाएगा। तीसरे नंबर पे आएगी कि आपको खाने वगैरह का, तो 200 उसका भी आप कर लें, टोटल कह लें कि 800 ये हो गया। और 50 यूरो कह लें कि ऊपर आप अदर एक्सपेंसेस कर लें, तो वो आप टोटल आप कह लें कि आपका 850 तक आपका हो जाएगा ये सारा। मीन के अगर आपने पुर्तगाल आना है तो आपने इतने पैसे ले के ही आने हैं, ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा ही ले के आने हैं। आपने मिनिमम कह लें कि 2 मंथ का रेंट अपने साथ ले के आने, आपको नहीं पता कि आपको आते जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जिस जगह पे आपको बेड स्पेस मिलती है वो कहते हैं कि हमें 1 मंथ का एडवांस दो, तो वो आप एडवांस देते हो, जैसे वो मंथ एंड पे होता है तो आपको दोबारा रेंट देना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो कोशिश करें कि आप 2 मंथ का रेंट ले आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैसे एक का भी होगा तो वो इंशाल्लाह अगर आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। मीन कि आपने अपने माइंड में इतने पैसे रख के आने हैं जो मैंने सारे आपको बताए हैं, तो फिर आप इजीली सरवाइव कर लोगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो होप्स हो कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।